महीना है जो प्यार भरा महीना कहा जाता है। पूरे साल का ये वो महीना है जब हवाओं में हर जगह सिर्फ प्रेम देखने को मिलता है। जी हाँ, वैलेंटाइन वीक की शुरुआत हो गई है, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है। लेकिन उसके पहले, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वैलेंटाइन वीक की शुरुआत होती है और आज 7 फरवरी को रोज़ डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन युवा वर्ग जो है एक दूसरे को रोज़ देकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। अगर हम बात करें तो आम दिनों में भी रोज़ जो है गुलाब जो है उसकी मांग रहती है, 60 से 65 हज़ार ऐसे भी गुलाब जो है वो बिकते हैं। लेकिन वैलेंटाइन के जो पहला दिन है, जो वीक का पहला दिन है, जो रोज़ डे है, उस दिन इसकी संख्या जो और बढ़ जाती है और साथ ही साथ कीमतों में भी 2 से 2.5 गुना इजाफा देखने को मिलता है। फिर भी लोग जो है वो रोज़ खरीदते हैं। यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगी, आप मेरे पीछे देखिए कि काफ़ी संख्या में हमें गुलाब देखने को मिल रहे हैं और इतने देर में आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पे रोज़ जो है लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि आज जो है रोज़ डे मनाया जा रहा है और काफ़ी संख्या में युवा वर्ग जो है, ना सिर्फ युवा वर्ग भी बल्कि साथ ही साथ अब हर जनरेशन के लोग जो है रोज़ डे मनाते हैं। यहाँ मौजूद जो है हमारे साथ यहाँ पे फूल विक्रेता, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। आप बताइए भैया कि सुबह से कितने लोगों ने आज रोज़ खरीदा है? देखिए, पहली बात तो आज संडे है, दूसरी बात लॉकडाउन होने के बाद जब निकला है तो उसके बाद मार्केट वैसा नहीं है। हम लोग मंगा के रखे हैं, ये पिंक कलर का गुलाब है, ये येलो कलर का गुलाब है, सारा मंगा करके रखे हैं, लेकिन बिक्री वैसा नहीं है। यही 2-3 साल, मतलब अगला साल ही हम लोग को टाइम नहीं रहता था, फुर्सत नहीं रहता था आज के दिन में, लेकिन अभी बहुत ही मार्केट एकदम सन्नाटा है। अगर कीमतों की बात करें तो पहले आम दिनों में क्या कीमत रहती है गुलाब की और आज क्या कीमत है? ऐसे तो रहता है 5 रुपये रहता है, अभी 10 रुपये करके है, वो पिंक वाला है 20 रुपये करके है, येलो वाला भी 20 रुपये पीस है। लेकिन यही संडे है और लॉकडाउन के बाद, मतलब कि समझिए कि वैसा मार्केटिंग नहीं है, मार्केट का एकदम। अभी भी सुबह से लगभग कितने लोग ऐसे आए होंगे जिन्होंने खरीदा है गुलाब? आए हैं 20-25 लोग आए हैं। किस एज के ज़्यादा संख्या में लोग थे ये बताइए? तो युवा संख्या के लोग ज़्यादा आए हैं। हालांकि बुजुर्ग या फिर हम ये कह सकते हैं हायर जनरेशन के लोग भी आपको देखने मिले थे ऐसे कुछ? अब मिलते हैं, वो सब आएंगे शाम में, जैसे मान लीजिए अभी वो लोग धीरे धीरे, आज तो छुट्टी का दिन है ना, तो वो लोग सब शाम में पहुँचते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने हमें बताया कि हालांकि कोरोना की मार और क्योंकि आज संडे है इसलिए अभी काफ़ी कम संख्या में लोग आए, लेकिन इन्हें ये उम्मीद है कि जैसे ही शाम होगा इन्हें और भी ज़्यादा संख्या में लोग जो है वो आएंगे। सबसे ज़्यादा युवा वर्ग के जो युवा वर्ग है वो यहाँ पे आए और गुलाब खरीद के ले गए हैं और अलग अलग वैरायटीज़ के गुलाब है। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पे जो गुलाब पड़े हुए हैं, एक बार मैं आपको उधर भी ले जाकर दिखाना चाहूँगी कि वहाँ भी आप देखिए कि किस तरह से अलग अलग कलर्स के यहाँ पे गुलाब के जो फूल हमें देखने को मिल रहे हैं, पिंक कलर के गुलाब हमें देखने को मिल रहे हैं, येलो कलर के गुलाब के फूल देखने को मिल रहे हैं। और आम दिनों की बात करें तो आज ज़रूर कीमतों में इजाफा हुआ है क्योंकि आज डिमांड भी ज़्यादा है और फिर भी लोग खरीदते हैं, क्योंकि जैसा कि एक हमें कहा कि कीमत जो है हम नहीं देखते, जब मोहब्बत होता है तो कीमत नहीं देखते हैं। तो आज के साथ ही जो ये प्यार का जो हफ्ता है इसकी शुरुआत हो गई है, पूरे महीने हमें देखने को मिलेगा, तो रोज़ डे के साथ ही वैलेंटाइन वीक की शुरुआत हो गई है। अगर आप भी अपने किसी को मैसेज देना चाहते हो तो आप भी ज़रूर रोज़ खरीदें। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ शांभवी, मेरा मीडिया, धनबाद।